खामोश रहें। मैं मुस्लिम शरीफ लेकर के आया हूँ, ऐसे मेरे पास बहुत सारी किताबें जिसमें मुस्लिम शरीफ के हवाले मौजूद हैं। मैं मुस्लिम क्यों लेकर के आया हूँ भाई? आप कहेंगे ये आपकी किताब है, आपने पता है क्या लिख रखा है, इस वजह से हमें मुस्लिम दिखाओ, असल किताब दिखाओ। असल किताब हम मुस्लिम शरीफ लेकर के आए, अगर हम कोई हदीस पेश करेंगे आपको मुस्लिम शरीफ दिखाएंगे, कुरान की कोई बात पेश करेंगे तो आपको तफसीर मदहजी लेकर के आए हैं, तफसीर इब्ने कसीर लेकर के आए हैं, क्योंकि तफसीर इब्ने कसीर को बरेलवी भी मानते, देवबंदी भी मानते, तफसीर मदहजी को बरेलवी भी मानते, देवबंदी भी मानते। शुरू की शर्तों के मुताबिक हम कोई बात कह रहे हैं तो किताब पढ़ करके सुना रहे हैं, और आप एक आयत पढ़ के लोगों को समझा रहे हो। हमने शुरू में कहा था कि आप जो कहें वो किताब पढ़ करके सुनाएं। आप कह रहे हैं इसमें खूब का मतलब है, खूब का मतलब ये हमारी जिम्मेदारी है, मैं समझाऊंगा। अभी इस बात का भी मतलब आप लोग समझ लें, आपकी बात हो गई नहीं, इस खूब का जो अभी आप फिर कहेंगे खूब का मतलब सुनाओ, इस वजह से मैं सुना रहा हूँ। ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो इसमें इन्होंने मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा दिखा दिया कि खूब सलाम पढ़ो। खूब सलाम पढ़ने का मतलब यही है कि मिलाद के बाद खड़े होकर के पढ़ो। यह खूब सलाम का मतलब है, मिलाद तो 8 दिन में एक मरतबा हो जाएगी, 8 दिन में एक मतलब पढ़ दिया, खूब का मतलब हल हो गया। खूब का मतलब तो उस वक्त होगा, उठते बैठते हम मस्जिद में हैं तब अकेले पढ़ रहे हैं, घर गए बिस्तर पे बैठे हुए तब पढ़ रहे हैं, जमीन में है तो पढ़ रहे हैं, हम जहां जहां पढ़ रहे हैं। लेकिन फुकहा ने कहा है, अल्लामा इन्होंने अल्लामा शामी ने यह बात रख दी जो दोनों आदमियों को मानते हैं, हम भी मानते हैं ये भी मानते हैं। अल्लामा शामी कह रहे हैं, और एक और मैं हदीस की किताब मिश्कात उठाओ सफा नंबर 470 बोलो, हम जो है ये जो है इतना लाद के क्यों आए हैं भाई, बाइक से आए हैं, ये सब किताबें लाने क्या हमें जरूरत पेश आई थी? ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम जो है हदीस की किताबें पे भाई, अब वक्त ना दिखाओ, जब बात समझ में आएगी तो वक्त भी सबको दिखेगा। जो है ये कह दो हदीस शरीफ की किताबें जिसको सब मानते हैं, हम भी जो है किसी छोटी किताब से इसका हवाला दिखा सकते थे कि मिश्कात शरीफ में ये लिखा हुआ है, लेकिन हम मिश्कात लेकर के आए जिसमें ये बात लिखी हुई है, जो है कयामत की अलामतों को इन्होंने बयान किया है। खामोश खामोश रहे भैया, पीछे बढ़ गए थोड़ा सा, दूरी इख्तियार कर लो, सत्ता दिखाई दे आगे पीछे। हाँ ये जो है हम मिश्कात शरीफ इसी वजह से लेकर के आए हैं कि हम किसी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की किताब, भाई मोबाइल बंद करो, मोबाइल सब बंद करो, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की अगर हम किताब लेकर के आते और हम कहते भाई ये हदीस मिश्कात में लिखी है, मौलाना अशरफ अली थानवी ने बना थोड़ी ना लिया है, तो आप कहते भाई मौलाना अशरफ अली थानवी को मैं नहीं मानता हूँ। जब हदीस बनाई नहीं तो हदीस की किताब से दिखाने में हमें हर्ज क्या है? इसका मतलब आप किताब से नहीं दिखाने, कुछ तो गड़बड़ है। इसमें लिखा हुआ है ज़हारतुल अस्वाद, इसमें लिखा हुआ है कि कयामत की निशानियों में से ये निशानी भी है कि ज़हारतुल अस्वाद लोग अपनी आवाज़ों को क्या है मस्जिदों में बुलंद करेंगे। अब मुल्ला अली क़ाज़ी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? मुल्ला अली क़ाज़ी को ये भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, बड़े खतरनाक आलिम हैं जो पूरी देवबंदियत पूरी बरेलवियत हजरत इमाम आदम अबू हनीफा को मानने वाले तमाम लोग मुल्ला अली क़ाज़ी को मानते हैं, और हम इमाम साहब को मानते हैं, इस वजह से इमाम साहब की बात आ रही है। ये कह रहे हैं वक़द नस्स बाज़ उलमाइना, बाज़ हमारे उलमा ने यह सराहत की है कि बि अन्न रफ़अ सौत फिल मस्जिद, कि मस्जिद के अंदर आवाज़ को बुलंद करना, वलौ बिज़्ज़िक्री अगरचे जिक्र के जरिए हो, जिक्र में दुरूद भी आवे सलाम भी आए, वलौ बिज़्ज़िक्र अलग अगरचे जिक्र के जरिए हो, हराम हराम है लो हदीस की किताब नहीं, नहीं आप नहीं तो आप हदीस की किताब लेते हैं और हमें हदीस की किताब दिखाएं। और खूब का मतलब मैं आपको समझा दूं एक मतलब, फिर खूब का मतलब ये है कि खूब पढ़ो। खूब का मतलब तो तभी होगा जब हम उसे किसी एक जो है पैमाने में उसे हम खास नहीं करें। आप कह रहे हो कि खड़े हो ना खड़े होकर ही पढ़ो, तब खूब नहीं है। खूब तो उस वक्त है कि हम अलग हैं भाई, कम मजलिस लगे 8 दिन के बाद, हम घर हैं पढ़ रहे हैं मस्जिद में है पढ़ रहे हैं, आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं लोगों को नहीं, क्योंकि जो है अभी हमारे पास और भी हवाले हैं। मुस्लिम शरीफ लाओ, मैं मुस्लिम शरीफ जो है भाई, जिक्र में सलाम है या नहीं है? जिक्र में सलाम है या नहीं? आप कह रहे हैं सलाम की बात नहीं आ रही, हाँ कान में को आप कह रहे हैं अब यही बात चलेगी कि सलाम की बात नहीं हो रही, भाई जिक्र या सलाम ही है, और आप कहेंगे कि जो सलाम की बात नहीं हो रही है। हलबी कबीर का भी मैं आपको अभी किताब भी दिखा दूंगा, मैं हलबी कबीर का एक हवाला मैं आपकी खिदमत में नकल कर रहा हूँ, क्योंकि हम सब इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। इसमें जो है तफसीर बने कसीर तफसीर मजहरी में अभी मैं आपको हवाला दिखा दूंगा, तब तक मैं आपको ये जो है अरबी पढ़ करके सुना रहा हूँ जो लिखी गई है। इमाम आदम अबू हनीफा हलबी कबीर सफा नंबर 556 है, ये मैं किताब दिखा दूंगा, ऐसा नहीं मैं किताब नहीं दिखा पाऊंगा। इसमें लिखा हुआ वली अबी हनीफा अन नरफा सऊद,
भाई खामोशी इख्तियार करें। भाई आप लोग जो है जरा मुतवज्जे हो, क्योंकि आपको जो है हक तक पहुंचना है। इसमें जो है हम इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मानते हैं। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की दलील में आपको इमाम साहब का कौल नकल करता हूँ। वली अबी हनीफा रहमतुल्लाह अन्न रफअत सौत बिज़्ज़िक्र बिदअतुन। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आवाज का बुलंद करना जिक्र के साथ, जिक्र में दुरूद भी है सलाम भी है, जिक्र के साथ बिदअत है। मुखालिफुन लिल अम्री कौलुहु तआला उदउ रब्बकुम तज़र्रुअन व खुफिया। ये कहते हैं कि अल्लाह, ये जो है कुरान के अंदर आए थे आठवें पारे के अंदर सूरह आराफ के अंदर, उद्उ रब्बकुम कि तुम अपने परवरदिगार को चुपके चुपके और आजजी के साथ पुकारा करो, ख्वाब वो जिक्र हो ख्वाब वो दुआ हो। तो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खुद कह रहे हैं कि अन्न रफअत सौत बिज़्ज़िक्र बिदअतुन, कि ये जो है आवाज जिक्र के अंदर आवाजों को बुलंद करना ये बिदअत है। अब जो है हम ये चाहते हैं कि मसला इधर उधर ना भागे, आप ये दिखा दीजिए कि मजलिस के बाद खड़े होकर के सलाम पढ़ना मुस्तहसन और जायज है ऐसी किताब से जो हम भी माने तुम भी माने, मसला खत्म है। मैंने किताब से दिखा दिया जो, हाँ बाकी बात हो गई, बस इसी के ऊपर बात आप हवाला दिखा दीजिए। पहले आप सुन लिया जी, पहली बात ये सुनिए, इन्होंने जो कयामत की निशानियों में से एक निशानी बताई कि लोग मस्जिदों में आवाजें बुलंद करेंगे, अभी बताइए आप जी। ठीक, ये लिखा है, मैं नहीं, नहीं, हम ये नहीं कह रहे लिखा नहीं, आपने दलील पेश की जी। ठीक जी। दूसरा इन्होंने कहा अभी जिक्र के ताल्लुक से, चाहे वो जिक्र हो आवाजों को बुलंद करना, अब अगर जिक्र के ताल्लुक से इनसे पूछा जाए तो मस्जिद में अगर आवाज बुलंद करने की बात है तो कौन सा ऐसा जुमा जाता है जिसमें जिक्र बिल जहर खुतबा नहीं पढ़ा जाता है? मैं आपको इसका हवाला दूंगा, मैं आपको हवाला दूंगा, नहीं पढ़ा जाता। ठीक, रुको हमारी बात। हाँ, दूसरी बात ये इन्होंने कहा कि वो ये खास करना कि मिलाद के बाद सलातो सलाम पढ़ना, और खूब का माना यह है कि रोज हर वक्त जब चाहो तब पढ़ो, किसी ने यह कैद लगाई है कि सिर्फ मिलाद ही के बाद सलातो सलाम पढ़ा जाएगा? कोई कह देती नहीं कि सलातो सलाम जो है मिलाद ही के बाद पढ़ा जाए, जब खूब का माना यह है जब चाहो तब पढ़ो, कुरान से ज्यादा कोई किताब ही बड़ी नहीं है। कुरान जब यह कह रहा है कि जब चाहो तब पढ़ो तुम और खूब पढ़ो, तो खूब के माने ये कैद लगाना कि इन्होंने कहा खड़े होकर के, खड़े होने की कैद ही नहीं है उसमें, जब पढ़ना जायज है खूब है तो खूब चाहे जब तुम पढ़ो और चाहे जहाँ पढ़ो चाहे जैसे पढ़ो, कोई उसमें ना कैद है ना दिक्कत है ना परेशानी है। और जो है ये कह रहे हैं मस्जिदों में आवाजें बुलंद होगी, तो आवाज बुलंद करने का मतलब ये नहीं है कि वहां पर अगर खुतबा भी दिया जा रहा वो भी बिदअत हो जाएगा, अगर वहां तकरीर हो रही वो भी बिदअत हो जाएगी, अगर वहां कोई ये असर के बाद में जो बातें होती हैं अल्लाह रसूल के ताल्लुक से वो भी बिदअत हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि घुमा देने से। दूसरा सुनिए, ये कह रहे हैं जो सबको मानते, आप शेख अब्दुल मोहसिन देहलवी को मानते नहीं मानते? आप जो कुछ देना है आप देते रहे, पहले कुरान और हदीस से देते तो ज्यादा बढ़िया है, दूसरे पर ना जाए। कुरान से आपने अभी तक एक ही बात चल रही है, खूब के मामले में आप तर्जुमा पढ़ के सुना दीजिए। हमने बयान किया दो मरतबा, हमने समझा नहीं समझा भाई, आप लोग बताए खूब का कुरान से दूसरे शेख अब्दुल मोहसिन देहलवी जो इमाम हदीस फिल हिंद कहे जाते हैं, बहुत मोटवर बुजुर्ग हैं, मुहद्दिस भी हैं, उनकी किताब अखबार अख्तियार है, वो अपनी किताब में लिखते हैं या अल्लाह तू मेरी हकीकी हालत, मेरी गरज, मेरे मकसद, मेरे मतलब और मेरी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ है, मैं अपनी सच्ची नियति होने का दावा तो नहीं करता क्योंकि तुझसे कोई बात भी पोशीदा नहीं है, इस पर भी मैं अपनी सच्ची नियत और अच्छे अमाल के बारे में रहीम करीम से सवाल कर रहा हूँ, या अल्लाह तेरे दरबार के काबिल तो मेरा कोई भी अमल नहीं है क्योंकि मेरे तमाम अमाल में फसादे नियत, क्या फरमाया, तमाम अमाल में फसादे नियत है और कमी अमल शामिल है, हाँ अलबत्ता मुझ फकीर का सिर्फ एक अमल तेरी जाते मुकद्दर की इनायत के सबब बहुत शानदार है, और वो शानदार अमल यह है कि मीलाद मुबारक के मौके पर खड़े होकर सलाम पढ़ता और निहायत आजदी व खाकसारी और मोहब्बत व खुलूस के साथ तेरे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजता रहा। अब ये बताओ कि मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा क्या इन किताबों को पढ़ने वाले नहीं थे? इमाम हदीस फिल हिंद है और अपने तमाम आमाल में फसादे नियत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ही अमल ऐसा है जो तेरी अता से, और वो शानदार अमल यह है कि मैं तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के मिलाद मुबारक के मौके पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता था आजमी और इंतजारी और मोहब्बत और खुलूस के साथ। तो अगर ये चीज अब्दुल्हक मुहद्दिस देहलवी से ज्यादा ना तो हम बड़े आलिम है ना ये बड़े आलिम है, वो मुहद्दिस है। एक मुहद्दिस इन किताबों इन रिवायतों इन दलीलों से नावाकिफ है, बिल्कुल नावाकिफ नहीं होगा। अगर मुहद्दिस तो नावाकिफ नहीं हो सकता है, और अगर नावाकिफ है तो भी बिदाती हुई, अब्दुल्हक मुहद्दिस देहलवी भी बिदाती हुई। जबकि हिंदुस्तान में उनका मकाम यह है कि उनको इमाम हदीस कहा जाता है, हदीस के ताल्लुक से बहुत मशहूर और मारूफ बुजुर्ग हस्ती हैं वो। और दूसरी बात यह है कि पुराने मुकद्दस की इस आयत मुबारक को जो खूब के माने में आया, क्या इन्होंने ये नहीं पढ़ा था कि चलो हर वक्त लिखा जाए तो हम मिलाद और कयाम और सलाम को लिख कर सिर्फ ये लिख दें कि सलात और सलाम पढ़ना जाए। इन्होंने बाकायदा लिख दिया हर अमल में फसाद नियत है, लेकिन एक ही अमल ऐसा है जिसमें फसाद नियत नहीं है, वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजना, और लफ्ज़ खड़े होने का भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो अब ये बताया जाए क्या अब्दुल्हक मुहद्दिस देहलवी रहमा को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं, और उसके बाद आप तर्जमा पढ़ के सुना दीजिए। फिर पढ़ के सुना दूंगा, दो मत बस हो गई बात, एक बात खत्म हो गई। अब आप बताओ जी, वही तरीके से बात कर लो। देखो देखो देखो, हम चाहते हैं कि भाई सब लोग मुतवज्जे हो जाएं। एक बात इन्होंने कही है कि जो जुमे का दिन होता है उसमें खुतबे में आवाज बुलंद की जाती है, तो इसका मतलब वो बिदात है, इन्होंने अभी कहा है। उसका जवाब ये मुस्लिम शरीफ है, जिल्द नंबर 1 है, इसका सफा नंबर 285। आप ये देखते रहे कि हम अगर कोई जवाब दे रहे हैं तो किताब पढ़कर भी सुना रहे हैं, आप इस चीज को ज़हन में रखें। एक हदीस है, एक हदीस है कि इदा खतबा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा खतबा जब खुतबा दिया करते थे इहमज़त ऐनाहु तो उनकी आंखें लाल हो जाया करती थी, यानी अल्लाह के नबी की, वाला सौतहु और अपनी आवाज को बुलंद कर दिया करते, तेज तेज कहते थे। तो ये कह रहे हैं अल्लामा नबवी कहते हैं जिनको हम भी मानते हैं, ये भी मानते सब मानते हैं, यस्तदिल्लु अला अन्नहु यस्तहिब्बुल खतीब कि खतीब के लिए तो ये बात मुस्तहब है कि वो अपनी आवाज को बुलंद कर दे। जब हदीस से ये चीज साबित है तो हम इसे बिदात कहने वाले कौन होते हैं, इस वजह से ये बात फाइनल हो गई। दूसरी बात, इन्होंने जो अभी हमें ये किताब पढ़ करके सुनाई है अखबारुल अखियार, थोड़ा एक मतलब फिर आप जो है थोड़ा गौर करें, अखबारुल अखियार ये असल किताब नहीं है, असल किताब फारसी में, समझ रहे हो, ये तर्जमा किया हुआ है और इन्हीं के आलिमों का तर्जमा किया हुआ है। आप फारसी पढ़ करके सुना दे, मैं मानने के लिए तैयार हूँ, समझ। दूसरी चीज एक बात और है जो इसमें ये बात आई कि इन्होंने तर्जमा पढ़ करके नहीं सुना है, मैं फिर तर्जमा पढ़ करके सुना रहा हूँ। या इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते युसल्लूना अलन नबी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, सलाद भेजते हैं। या अय्युहन नबी सल्लू अलैहि वसल्लम तस्लीमा, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या करें, ए जो है खूब, आपने जो खूब की बात कही थी खूब दुरूद व सलाम पढ़ें। हमने दो मरतबा खूब का मतलब समझाया, और हमने समझाया किससे, तफसीर इब्ने कसीर से, जो हम भी मानते हैं ये भी मानते हैं। एक मरतबा फिर समझा दूं, खूब का मतलब ये है क्योंकि हदीस में ये बात मिल गई हमें कि जो है तेजी के साथ हम ये काम नहीं करेंगे, जब हम तेजी के साथ नहीं करेंगे और हदीस में हमें जो चीज तेज मिलेगी, हमें हदीस में तेज मिली खुतबे के अंदर आवाज बुलंद करने की वजह से, हमने हदीस के ऊपर लब्बैक कहा और हमने अपनी आवाजों को खुतबे में बुलंद कर दिया। अब दुरूद जहर जिक्र मतलब जिक्र के सिलसिले में हमें बात ये मिली अपनी आवाजों को पस्त करो, हमें अपनी आवाजों को तेज नहीं करना है, तो हमने अपनी आवाजों को तेज नहीं किया भाई, हम हैं, हमने जो है आपको मिश्कात शरीफ का हवाला दिया, कद नस्स बाद उलमाइना अन्न जिक्र अन्न रफा सऊती बिजिक्र हराम वलव बिजिक्र हराम, ये मिश्कात शरीफ है, इसका कोई जवाब नहीं आया। हमने जो है इसका हवाला पेश किया जो हम भी मानते हैं ये भी मानते हैं, ये क्यों इन्होंने लिखा ये भी नहीं आया। तीसरी चीज, हमने तफसीर इब्न कसीर पेश की, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने मुस्लिम शरीफ पेश की, इसका कोई जवाब नहीं आया। इनकी तरफ से कहा गया खूब खूब का मतलब बताओ, मैंने खूब खूब का मतलब बता दिया। अखबारुल अखियार को इन्होंने पेश किया, ये असल किताब शेख साहब की नहीं, शेख साहब की असल किताब फारसी में है, इस वजह से। दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि शेख अब्दुल्हक मुहद्दिस देहलवी को अगर हम मान भी लें, क्या हम बिदाती कहेंगे? अगर शेख अब्दुल्हक मुहद्दिस देहलवी को बिदाती हम नहीं कहेंगे या बिदाती कहेंगे, उससे हमें कोई मसला नहीं, वो तो बाद में बात साबित होगी जब उस पर बात चलेगी कि शेख साहब क्या थे क्या नहीं थे, समझ रहे, शेख साहब क्या थे क्या नहीं थे।
शेख साहब के अलावा हमने इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हवाला पेश किया। मैं किताब दिखा सकता हूँ जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि किताब बोला मैंने, इसका भी कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया है। वली अबी हनीफा अन रफा सौत भी जिक्र बिदातुन। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रफ़ सौत यानी जिक्र के अंदर आवाज़ को बुलंद करना बिदात है। ये हलबी कबीरा सफा नंबर 566 है। बिदात सैया भाई ये कहना है, इसकी दलील है मुखालिफुन लिया मुझे फी कौलिही ताला, ये अल्लाह ताला के कौल के मुखालिफ है। तो मुखालिफ होने का मतलब है गलत, अगर उसे बिदात हसना कहेंगे तो वो मुखालिफ नहीं। कुरान के जो चीज़ मुखालिफ वो अच्छी हो ही नहीं सकती, कुरान के मुखालिफ जो चीज़ होगी वो अच्छी नहीं हो सकती। मैं एक चीज़ मैं